एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट वन। चैप्टर का नेम है आइसक्रीम मैन। डू यू नो आइसक्रीम मैन? आपको पता है आइसक्रीम मैन कौन है? जो आइसक्रीम बेचते हैं, मतलब जो पर्सन आइसक्रीम बेचते हैं उनको आइसक्रीम मैन कहते हैं। और गर्मी में यानी सामर में सभी को पसंद है आइसक्रीम। समर में क्या, हर सीजन में सबको पसंद है, सबके फेवरेट होता है आइसक्रीम। ओके, और आइसक्रीम मैन जो है वो भी सभी के फेवरेट पर्सन होता है। ओके, तो चलो देखते हैं स्टोरी में, मतलब चैप्टर में क्या स्टोरी है। आइसक्रीम मैन जो है वो क्या क्या लेके आते हैं, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट, रीड एंड एंजॉय। देखो यहाँ पे पिक्चर दिया है आइसक्रीम मैन जो लाड़ी लेके आया है, मतलब उसका स्टॉल लेके आया है। ओके, ठेला लेके आया है और आइसक्रीम बेच रहे हैं। तो चलो देखते हैं। व्हाट इज कोल्ड एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट, एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। मतलब इतना ठंडा है, स्वीट होता है, क्रीमी होता है एकदम आइसक्रीम जो है, और खाने में सभी को पसंद है और कितना वंडरफुल होता है ना, और सभी का फेवरेट होता है स्पेशली समर डे में, हॉट समर डे में, मतलब इतने गर्मियों में आइसक्रीम सभी को पसंद होता है। और जो आइसक्रीम मैन है वो सभी के फेवरेट पर्सन बन जाता है। तो चलो पोएम में क्या है, यहाँ पे पोएम है, तो क्या है पोएम में देखते हैं। विन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गस ट्रैवलिंग डाउन द स्ट्रीट बिनिथ हिज राउंड अम्ब्रेला। ओ व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउथ्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। मतलब सामान में गर्मियों में जो शहर सिटी तो वहाँ पे बहुत गर्मी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे सब ब्रिक से बना हुआ है बिल्डिंग होता है, इसलिए ज़्यादा हीट देता है, मतलब गर्म जो है वो ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा लगता है। और आइसक्रीम मैन जब अपना लिटिल कट लेके, छोटा सा कट लेके, देखो यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ये देखो छोटा सा कट है उसका, आइसक्रीम मैन का जो ठेला है वो लेके आते हैं, ठीक है? और वो जब गली से निकलते हैं, जाते हैं, तब मतलब सभी बाहर आ जाते हैं, निकल जाते हैं ना देखने के लिए। और वो गर्मी में ज़्यादा मतलब शहर में वो घूमता रहते हैं, ठीक है? जो आइसक्रीम मैन है वो अपना लिटिल कार्ड लेके गली गली में, शहर के हर गली में वो घूमता रहता है। तो और अम्ब्रेला, मतलब उसका जो छतरी है, देखो उसके ठेले में एक अम्ब्रेला है ना, ऐसे देखो बड़ा सा एक अम्ब्रेला है, राउंड अम्ब्रेला। तो और उसके ठेले में क्या है, अम्ब्रेला है, बड़ा सा एक गोल राउंड अम्ब्रेला है। और कितना सुंदर सा देखने में होता है ना, बाहर से अंदर से देखो कितना, साइड से कितना सुंदर है, सब घेरा है। देखो बच्चे सब जो है उनको एकदम घेर के रखे, चारों तरफ से उनको घेर के रखे, और सब आइसक्रीम लिया है और सब आइसक्रीम खा रहे हैं सभी बच्चे। तो और वो जो आइसक्रीम कोन है, आपको पता ही है, आप लोग भी खाते होंगे, तो आइसक्रीम कोन जो है वो पूरा भर के एकदम माउथ जैसे पूरा ऊपर से एकदम भरा हुआ, हिल जैसे पूरा भर के एकदम क्रीमी सा कोन जो है फील करके दिया है ना, वो देखने में कितना सुंदर जॉयफुल है और एकदम ठंडा ठंडा है। और ब्राउन कलर का है जो कोन है, वो ब्राउन कलर का होता है, और जो ऊपर से वो जो ढेर है मतलब माउंट जैसा जो कोन में ऊपर देख क्रीमी जैसा, वो क्या है, कौन सा कलर का होता है, वाइट कलर का। सो नेक्स्ट क्या है, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज ग्रीन ऑरेंज व्हाइट और पिंक हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस द वे द चिल्ड्रेन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। तो उसके कौन सा फ्लेवर है उसके पास, उनके पास आइसक्रीम मैन के पास, वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी
अरे वो जो आइसक्रीम है एकदम ठंडा ठंडा चीली सा है ना, ठंडा ठंडा चीली जैसा कुछ भी चीज़ है जो ड्रिंक हम पीते हैं। देखो ऐसे उनके पास होता है और भी, मतलब आइसक्रीम के अलावा जो पीने वाले भी होता है एकदम ठंडे ठंडे शरबत जैसा होता है, ठीक है, और बोतल से भरा हुआ है। और वो कौन सा कलर का है देखो, यहाँ पे दिया है ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, वो शरबत है जो आपको मतलब हम सभी को देते हैं। आइसक्रीम मैन के पास होता है वो शरबत बना के, वो ठंडे ठंडे शरबत एकदम बना के वो देते हैं। वो तो वो ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर का है उसके पास जो बॉटल्स है फुल भरा हुआ है एकदम ठंडे ठंडे जो ड्रिंक पीने वाले। और उसका कार्ड जो है, ठेला जो है वो एकदम फ्लावर से भरा हुआ, ऐसा लगता है कि जो बच्चे घेर के रखे हैं उनको ठेले को, तो वो ऐसा लग रहा है कि सुंदर से फ्लावर से फूलों से भरा हुआ एक बेड है, रोजेज है, स्वीट पीस है, ऐसे फूलों से भरा हुआ है। और बच्चों को यहाँ पे जो पोएट है यहाँ पे बच्चों को क्लस्टर बोला है, जैसे मधुमक्खी होते हैं हनीबीज अपने छत छत पे मतलब छत्ते पे घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, तो क्लस्टर वैसे ही चिल्ड्रेन को यहाँ पे जो पोएट है जो पोएम लिखे है पोएट, उन्होंने ये सब सभी बच्चों को चिल्ड्रेन को क्लस्टर बोला है, मतलब घेर के रखे है। आइसक्रीम मैन के जो कार्ट है ठेले को एकदम घेर के रखे, जैसा लग रहा है कि उसके जो ठेला है फूलों से भरे हुए है ना, फूलों से भरे हुए एक बिस्तर है, बेड है, ठीक है। तो ये रहा हमारा ये पोएम, ठीक है, यहाँ पे पोएम जो है वो फिनिश होता है। तो चलो हम देखते हैं न्यू वर्ड्स क्या है इस पोएम में, हमने क्या क्या सीखा है। न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड से ब्लेज, ब्लेज मतलब ब्राइट फ्लेम और फायर, मतलब एक आग से बबूला हुआ एक गोला है, एकदम बहुत ही गर्म गोला ऐसे निकलते हैं ना आग, ब्राइट फ्लेम एकदम एकदम मतलब फायर से बना हुआ, एकदम आग से भरा हुआ है, फ्लेम आ रहा है, रोशनी आ रहा है। ट्रंडलिंग मतलब मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स, एक छोटा सा पहिया होता है जो मूविंग करता है चलता है। माउंट्स यानी हिप पाइल, जो यहाँ पे माउंट्स किसको बोला है, ये जो बच्चे के हाथ में जो आइसक्रीम कोन है वो जो ब्रेस्ट है माउंट्स, ये कहा है मैंने हिप और पाइल। फ्रॉस्टी फिश मतलब चिल ड्रिंक मेकिंग अ सी बबलिंग साउंड, जो आइसक्रीम मैन के पास जो मतलब पीने वाले जो चीज़ होते थिंग्स होते जो वाइट कलर का, ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का है, जो पीने वाला मतलब पीते हैं बोतल में वो डाल के देते हैं ग्लास में पीने के लिए, तो वो चिल सा एकदम बना के जो देते हैं ठंडे ठंडे, तो हम लोग जब उसको पीते हैं तो कैसे साउंड करते हैं, सिंग बबलिंग ऐसे साउंड करते हैं ना, तो वो है फ्रॉस्टी फिश। नेक्स्ट है क्लस्टर, क्लस्टर मतलब गैथर अराउंड ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स, मतलब कोई भी छोटा सा चीज़ों का थिंग्स का एक ग्रुप है, छोटा सा ग्रुप है, गैथर अराउंड मतलब उसके आजू बाजू जो हम घूमते मतलब घेर के रखते हैं, जैसे कि स्टार है, हनी बीज है, कैसे मन रहते हैं साथ में है ना ग्रुप बना के, तो वैसे ही यहाँ पे जो पोएट है जिन्होंने पोएम ए पोएम लिखे है, तो उन्होंने ये जो बच्चे हैं चिल्ड्रेन को यहाँ पे गैथर कहा है यानी क्लस्टर कहा है, जो आइसक्रीम मैन का जो ये कार्ट है उनको घेर के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू वर्ड्स कंप्लीट होता है, और इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। आज का पोएम का मैंने आपको एक्सप्लेन करवा दिया, तो आपका होमवर्क होगा क्या, ये न्यू वर्ड्स का आपको आपके नोटबुक में लिखना है और अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। तो आज के लिए